युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराने और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य 2022 तक 50 करोड़ युवाओं को रोजगार परक कौशल मुहैया कराने का है। इस काम में निजी क्षेत्र के भागीदारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन किया है। आज भारत की आधी से अधिक आबादी 25 साल से कम उम्र की है और ऐसी संभावना है कि 2022 तक देश में करीब 70 करोड़ युवाओं को रोजगार की जरूरत पड़ेगी। इनमें से केवल 20 करोड़ युवा ही ग्रेजुएट होंगे और बाकी 50 करोड़ युवाओं को रोजगार हासिल करने के लिए किसी न किसी प्रकार के व्यावसायिक कौशल की जरूरत पड़ेगी। इन युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराने के लिए सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत वर्ष 2022 तक 50 करोड़ युवाओं को रोजगार परक कौशल मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 35 करोड़ युवाओं का नियोजन विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए किया जाएगा, जबकि 15 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का जिम्मा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC को दिया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत गठित NSDC 21 प्रमुख क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार परक कौशल मुहैया करा रहा है। इनमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, टेक्सटाइल, सूचना तकनीक, BPO, पर्यटन, रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रत्न और आभूषण, रिटेल, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तकरघा, मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र शामिल हैं। The current year's target, namely the year 13-14, is going to be 10 lakhs or a million people to be skilled. And then looking at least 610,000 or 6.1 lakh